सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर अलग ही तरह की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं बहुत से लोग उनके जाने के गम में डूबे हुए हैं। वहीं सुशांत को याद कर करके उनके दोस्तों के आंसू भी नहीं रुक रहे। और अब इस बीच सुशांत के क्लोज फ्रेंड और फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने एक बार फिर से अपना हाल दिल बयां किया है। दरअसल संदीप सिंह ने अंकिता और सुशांत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सुशांत के फैंस के मन में अब एक अलग तरह की बेचैनी को जन्म दिया है। दरअसल हाल ही में संदीप ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की दोस्ती के बारे में कई अनकही बातें बताई। और इसके साथ ही संदीप ने कहा कि सुशांत को सिर्फ अंकिता ही बचा सकती थी और उन्हें लगता है कि काश अंकिता से ही सुशांत शादी कर लेते। संदीप ने अपने इस पोस्ट में बताया कि ब्रेकअप के बाद भी अंकिता लोखंडे ने अपने घर की नेम प्लेट से सुशांत का नाम नहीं हटाया और ये बात उनके सच्चे प्यार की बड़ी कहानी बयां करती है। संदीप लिखते हैं, डियर अंकिता, बीते दिनों के साथ मेरे दिमाग में ख्याल बार बार आ रहा है, काश ऐसा होता कि हम लोग थोड़ा और कोशिश करते तो हम सुशांत को ये कदम उठाने से रोक सकते थे और उसकी जान बचा सकते थे। यहाँ तक कि जब से तुम लोग अलग हुए, तुमने हमेशा सुशांत की सलामती और अच्छी सेहत के लिए भगवान से दुआएं मांगी। तुम्हारा प्यार प्योर था, तुम्हारा प्यार खास था। तुमने अभी भी अपने घर की नेम प्लेट से उसका नाम नहीं हटाया। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं सुशांत और अंकिता के साथ लोखंडवाला में एक फैमिली की तरह रहता था। हमने इतनी सारी यादें बनाई हैं कि उन्हें याद करके मेरा दिल रोता है। आगे भरे मन से संदीप लिखते हैं, हम साथ में कुकिंग करते थे, खाते थे, एसी का पानी गिरना, स्पेशल मटन भात, लॉन्ग ड्राइव के लिए लोनावला या गोवा जाना, पागलों की तरह होली खेलना, जो हंसी मजाक हम लोग साथ में बांटे, कुछ सेंसिटिव और बुरे वक्त में भी हम साथ थे। दुख की घड़ी में अगर सुशांत का किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो तुम थी अंकिता। तुम सुशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती थी। अभी भी मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों सच्चे प्यार हो। मेरा दिल दुख रहा है, कैसे मैं तुम दोनों को साथ पालूं? मैं हम तीनों का जो ग्रुप है उसे वापस चाहता हूं। क्या तुम लोगों को मालपुआ याद है और कैसे वो मेरी माँ की बनाई मटन करी को छोटे बच्चे की तरह मांगता था? आगे संदीप इस पोस्ट में लिखते हैं कि वो ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि काश सुशांत और अंकिता की शादी हो जाती और अगर हो जाती तो शायद ऐसा ना होता। मैं जानता हूँ सिर्फ तुम उसे बचा सकती थी। काश तुम दोनों की शादी हो जाती जैसा हमने सपना देखा था। तुम उसे बचा सकती थी अगर वो तुम्हारे साथ होता। यू वर हिज गर्लफ्रेंड, हिज वाइफ, हिज मदर, हिज बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आई लव यू अंकिता। आई होप आई नेवर लूज अ फ्रेंड लाइक यू। आई वॉन्ट बी एबल टू टेक इट। पर संदीप का दर्द तो उनकी इस पोस्ट में साफ झलक रहा है। उनकी इस पोस्ट में जाहिर हो रहा है कि वो सुशांत और अंकिता को एज अ कपल देखने की इच्छा रखते थे। लेकिन अब उनकी बातें सुनकर और देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि इस वक्त अंकिता लोखंडे के लिए ये कितना दर्दनाक होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भगवान इस मुश्किल घड़ी से गुजरने की ताकत दे। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पोस्ट पर, कमेंट सेक्शन में आप ही इस पर अपनी राय दें।